हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितिन कुमार। वेलकम टू माय चैनल एनके कॉमर्स एकेडमी ऑफिशियल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए मैं आपको लेके आया हूँ टॉपिक, न्यू टॉपिक ऑफ 11th क्लास, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। आज मैं आपको कुछ कहूँगा सिंपल कॉन्सेप्ट जो होते हैं अकाउंटिंग के, जो बहुत कम लोगों को बिल्कुल क्लेरिफाई तरीके से पता होता है। यानी कि पता तो बहुत लोगों को होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ना इसकी क्लेरिफाई तरीके से नहीं जान पाते, क्लेरिफाई तरीके से बच्चों को नहीं बता पाते कि ये कंसेप्ट कहाँ से आया, कैसे इसे उपजा हुआ। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट की। मैं ये कंसेप्ट लेके आया हूँ बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। पहली बात मैं करूंगा थ्री कॉन्सेप्ट्स की। पहली बात है अकाउंटेंसी किसे कहते हैं, सेकंड बात अकाउंटिंग किसे कहते हैं, एंड थर्ड टॉपिक वाज अकाउंट। अकाउंटेंसी किसे कहते हैं, अकाउंटिंग किसे कहते हैं, अकाउंट अकाउंटेंसी किसे कहते हैं, दूसरा अकाउंटिंग किसे कहते हैं, और तीसरा अकाउंट किसे कहते हैं। अकाउंटेंसी किसे कहते हैं, अकाउंटिंग किसे कहते हैं, और अकाउंट किसे कहते हैं। अकाउंटेंसी का मीनिंग होता है विच इज नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, जो आपको नॉलेज देता है किसकी, अकाउंटिंग की, उसे हम कहते हैं अकाउंटेंसी। जैसे आपने ज्यादा सुना होगा अकाउंटेंसी बाय एस एस शर्मा, अकाउंटेंसी बाय नितिन कुमार, अकाउंटेंसी बाय शेखर आनंद, तो ये सब नॉलेज देते हैं किसके बारे में, अकाउंटिंग के बारे में। इसलिए अकाउंटेंसी का मतलब होता है नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, सिंपल मीनिंग में इसका क्लेरिफिकेशन सिंपल तरीके से मैंने आपको दे दिया है। सेकंड बात अकाउंटिंग किसे कहते हैं, अकाउंटिंग की डेफिनेशन बहुत सारे टीचर अपने बच्चों को रटवाते हैं, मैं भी समझाऊंगा अच्छे से, नहीं याद होती तो भाई रटनी है सिंपल वर्डिंग में, पांच उंगली पे मेरी डेफिनेशन पूरी तरह आपको याद रहेगी। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। इसका मीनिंग मैं पूरी क्लियरिफाई करूंगा आपको अभी। अकाउंटिंग पहले मैंने बोला इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, पहले बात क्लियरिफाई करते हैं आर्ट क्या होता है। आर्ट मतलब कला, कला मतलब कोई भी चीज जो आप करते हो जो आपको बहुत अच्छे से आती है उसे हम कला कहते हैं, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे वो आपका म्यूजिक हो, चाहे वो आपकी सिंगिंग हो, कोई भी चीज जो आप अच्छी तरह कर सकते हो उसे हम आर्ट कहते हैं। ऐसी अकाउंटिंग भी एक तरह का आर्ट है, क्या करना, रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग मतलब होता है कोई भी ट्रांजेक्शन जो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो उसे रिकॉर्डिंग करते हैं। और सिंपल वर्ड में समझाऊं, जैसे हम अपनी कॉपी में साइंस का काम, मैथ का काम रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे ही अकाउंटिंग है। जो भी आप ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन क्या होती है, ट्रांजेक्शन बताता हूँ क्या होती है, ट्रांजेक्शन क्या होती है, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जो भी मनी टर्म में, मनी वैल्यू में जो भी आप चीज लिखते हो उसे आप ट्रांजेक्शन कहते हैं अकाउंट्स में, अकाउंटिंग की डेफिनेशन। नेक्स्ट बात आती है अकाउंट, अकाउंट क्या होता है, अकाउंट कुछ नहीं होता, अकाउंट एक बुक होती है जिसके लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट कहते हैं और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट, राइट हैंड साइड को क्रेडिट। अकाउंट में ही सारी ट्रांजेक्शन आपकी रिकॉर्ड होती है, अकाउंट में ही सारी ट्रांजेक्शन आपकी रिकॉर्ड होती है। अब मैं आपको ये सब चीजें लिख के समझा देता हूँ क्या आती है। पहली बात अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, अकाउंटेंसी का मतलब होता है नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। इंपॉर्टेंट बात ये, अकाउंटिंग की नॉलेज देना। अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग में पांच उंगलियों पे पांच तरीके से दिखती है, क्लियर करता हूं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग summarizing, analyzing, and communicating।
देखो सुनो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, सेकंड पॉइंट क्लासिफाइंग, थर्ड पॉइंट समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी. ये मैं ऐड कर रहा हूँ, ये मैंने उंगली में नहीं लिखवाई है. इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू द रिजल्ट देयर ऑफ. हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं. रिकॉर्डिंग का मतलब तो जो भी चीज आप रिकॉर्ड करते हो उसे रिकॉर्डिंग कहते हैं. चाहे कहीं भी रिकॉर्ड करते हो, कॉपी में रिकॉर्ड करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो, उसे हम रिकॉर्डिंग कहेंगे. ठीक है. सेकंड पॉइंट आता है क्लासिफाइंग. हम रिकॉर्डिंग करते थे, जैसे मैं कहता हूँ कि हमने क्या करा, एक ही कॉपी में मैथ का काम, एक ही कॉपी में साइंस का काम, एक ही कॉपी में एसएसटी का काम हमने रिकॉर्ड करा. अब एक कॉपी में आपने सारा काम रिकॉर्ड कर लिया. अब आप क्या करते हो, अब आप घर जाते हो, मैथ की कॉपी अलग करते हो, साइंस की कॉपी में अलग काम करते हो, एसएसटी कॉपी अलग बनाते हो. उस एक कॉपी में से अलग अलग कॉपियां बनती हैं, उसे हम कहते हैं क्लासिफाइंग. उसे हम क्या कहते हैं, क्लासिफाइंग. अकाउंटेंसी में क्या होता है, एक जगह रिकॉर्ड करते हो परचेस की ट्रांजेक्शन, एक जगह रिकॉर्ड करते हो सेल्स की ट्रांजेक्शन, एक जगह रिकॉर्ड करते हो कैश की ट्रांजेक्शन. सारी ट्रांजेक्शन एक ही जगह रिकॉर्ड करते हैं, उसे कहते हैं रिकॉर्डिंग. फिर वो ट्रांजेक्शन को अलग अलग करना ही क्लासिफाई कहलाता है. क्या कहलाता है, अलग अलग करना ही क्लासिफाई कहलाता है. क्लियर हो गया. नेक्स्ट पॉइंट समराइजिंग. समराइजिंग का मतलब क्या होता है, समराइजिंग का मतलब होता है जो भी डाटा आपने क्लासिफाई करा है उसे छोटा समरी वाइज आपको क्या करना है, अपने अकाउंट्स ऑफ बुक में लिखना है, अपने अकाउंट्स ऑफ बुक में डालना है उस छोटे डाटा को करके. नेक्स्ट पॉइंट एनालाइजिंग. जो भी डाटा है अब उसे एनालाइज करो. इट्स अ करेक्ट, इट्स अ नॉट करेक्ट, उस चीज को एनालाइजिंग कहते हैं. क्या कहते हैं उस चीज को, एनालाइजिंग. फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेकर एक चीज बताना चाहूंगा. जैसे मैं कहता हूँ कि भाई साहब, किसी ने पूछा मेरे से कि नींबू पानी खट्टा बनाया मीठा, कैसे बताऊ, पी कर बताओ. पहली बात, आप जितने भी नींबू लेके आए, पानी लेके आए, बर्फ लेके आए, चीनी लेके आए, ये वही रिकॉर्डिंग. ठीक है. क्लासिफाइंग, इन सब चीजों को अलग किया गया. समराइजिंग, सबको घोला गया, घोलने का नींबू पानी बना. पानी बनने के बाद एनालाइज. एनालाइज मतलब जांचना, जांचो कैसे कि वो नींबू पानी खट्टा बनाया या मीठा, वो नींबू पानी बनाए खट्टा या मीठा, उसे हम कहते हैं एनालाइजिंग. ऐसे ही अकाउंटिंग में होता है. जब आप समरी करते हो, समराइजिंग में पता क्या निकलता है, समराइजिंग में निकलता है नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, आपकी बैलेंस शीट वगैरह, ये सब आपके आते हैं एनालाइजिंग में. इसे निकालने के बाद आप उसका करते हो एनालाइजिंग. एनालाइजिंग करने का जो भी प्रॉफिट और लॉस निकला उसे आप कम्युनिकेट करते हो. कम्युनिकेट किसको करते हो, अपने यूजर्स को. किसको, यूजर्स को. कम्युनिकेटिंग प्रोसीजर आता है यूजर्स पे. यूजर होते दो प्रकार के, एक होता है इंटरनल यूजर और एक होता है एक्सटर्नल यूजर. इंटरनल यूजर कैसे कहते हैं, इन द फर्म, इन द कंपनी या वट एवर यू बिजनेस कंटिन्यू, उसके अंदर जितने भी लोग होंगे बिजनेस के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, वो सब आपके इंटरनल यूजर कहलाएंगे. मैनेजमेंट के बाहर जो भी लोग होंगे उसे कहेंगे एक्सटर्नल यूजर. क्या कहेंगे, उसे एक्सटर्नल यूजर. ठीक है. इंटरनल यूजर के एग्जाम्पल ऑनर, मैनेजमेंट, डायरेक्टर, एम्प्लॉय, स्टाफ, इट्स अ इंटरनल यूजर. एक्सटर्नल यूजर बैंक, क्रेडिट, डेटर, गवर्नमेंट, इट्स कॉल्ड अ एक्सटर्नल यूजर. तो ये मैंने आपको डेफिनेशन बताया किसकी, अकाउंटिंग की. आई विल रिपीट अगेन, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, फुल स्टॉप. ये आपकी डेफिनेशन थी अकाउंटिंग की. थैंक यू. जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैंने बताया था इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर. मैं आपको पूरा डिफाइन करता हूँ इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर. यूजर्स, यूजर होते कौन है, यूजर वो व्यक्ति होते हैं जो आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं. यूज करना मतलब वो आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, जो आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाते हो. फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, आपकी बैलेंस शीट क्या होता है. मैं जानता हूँ कि आप लोग 11th क्लास में, अभी आपको ये सब नहीं पता स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है. तो मैं थोड़ी चीज बताना चाहूंगा. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस वो स्टेटमेंट होती है जिसमें आपके व्यवसाय, व्यवसाय मतलब आपके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकलता है. नेक्स्ट, बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट वो स्टेटमेंट होती है जिसमें आपकी कंपनी या आपके व्यवसाय का नेटवर्थ पता होता है. क्या पता होता है, नेटवर्थ. ये बैलेंस शीट और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस होती है. यही दोनों इन्फॉर्मेशन यूजर्स को चाहिए होती है. मैं बताऊंगा यूजर्स कितने प्रकार के होते हैं. यूजर होते हैं दो प्रकार के, एक होता है इंटरनल यूजर, एक होता है एक्सटर्नल यूजर. इंटरनल यूजर कौन होता है, जो आपके व्यवसाय के अंदर होते हैं, आपके बिजनेस के अंदर, अंदरूनी पार्ट वाले इंसान जो होते हैं आपके बिजनेस के अंदर जो होते हैं उन्हें कहते हैं इंटरनल यूजर.
एक्सटर्नल को किन्हे कहते हैं? एक्सटर्नल जो वो व्यक्ति होते हैं जो आपके व्यवसाय के बाहर होते हैं। इंटरनल यूजर के एग्जांपल जैसे ऑनर, मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर होता है, डायरेक्टर बिजनेस के अंदर होते हैं, एम्प्लॉय वर्कर स्टाफ मेंबर बिजनेस के अंदर होते हैं, इन्हें कहते हैं इंटरनल यूजर। और एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं? गवर्नमेंट होते हैं, क्रिएटर होता है, डेटर होता है, पब्लिक होता है। अभी आपको क्रिएटर और डेटर नहीं पता, मैं भी बताता हूँ। गवर्नमेंट तो पता है सबको, सरकार यानी कि हमारे बिजनेस से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। क्रिएटर, क्रिएटर वो व्यक्ति होता है, मैं सिंपल वर्ड में बताऊंगा आगे की वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं आपको पूरा डिफाइन करूंगा हु इज क्रिएटर और हु इज डूअर। सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिएटर वो व्यक्ति होता है जिससे हम मतलब कंपनी, फर्म, बिजनेस जो कर रहा है व्यक्ति, जिससे हम क्या खरीदते हैं? माल उधार पर खरीदते हैं, क्रेडिट पे खरीदते हैं, उधार पर खरीदते हैं, वो व्यक्ति क्रिएटर होता है। और डेटर कौन होता है? जिसको हम उधार पर माल बेचते हैं, सेल करते हैं, तो वो व्यक्ति हमारे लिए डेटर होता है। फिर से रिपीट अगेन, जिस व्यक्ति को हम माल बेचते हैं वो व्यक्ति डेटर होता है, और जिस व्यक्ति से हम उधार पर माल खरीदते हैं वो व्यक्ति हमारे लिए क्रिएटर होता है। नेक्स्ट पार्ट है पब्लिक। पब्लिक मतलब लोग, कस्टमर, कंज्यूमर, ये सब पब्लिक होती हैं, इसलिए ये हमारे किस में आते हैं? एक्सटर्नल यूजर के एग्जांपल में आते हैं। तो मैंने आपको पूरा डिफाइन किया, पहला डिफाइन किया था मैंने आपका अकाउंटेंसी, फिर मैंने डिफाइन किया आपको अकाउंटिंग, अब मैं आपको बताता हूँ अकाउंट। अकाउंट में सिंपल तरीके से बताऊंगा, मैंने आपको बताया था पहले भी कि अकाउंट क्या होता है। अकाउंट कुछ भी नहीं है, अकाउंट एक बुक है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है और राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है, इसी में आपके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड कीप सपोर्ट। थैंक यू एवरीवन।